क्या लैब में तैयार होंगे बच्चे? 2023 में पृथ्वी पर होगा महाविनाश। बाबा वेंगा की ये कैसी भविष्यवाणी? दुनिया में कब क्या होगा इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है वो आंखों से भले ही ना देख सकते हो लेकिन उनकी दिव्य शक्ति बड़ी अलौकिक थी, जिसका नतीजा ये है कि उन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो लगभग हर एकदम सटीक बैठी हैं। उनके अनुयायियों का मानना है कि बाबा वेंगा ने 9/11 से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पीएम बनने तक की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बाबा वेंगा ने आधिकारिक तौर पर अपनी भविष्यवाणियों को रिकॉर्ड नहीं किया था, इसीलिए इस पर अभी भी बहस होती रहती है कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा और क्या नहीं। लेकिन बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए भी कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक विनाशकारी सौर तूफान। बाबा वेंगा की 2023 के लिए सबसे चिंताजनक भविष्यवाणियों में से एक सौर तूफान के बारे में थी, जो विनाश का कारण बन सकता है। सौर तूफान का मतलब सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा के विस्फोट से है, जिसे कई तरह के खतरनाक रेडियंस पृथ्वी पर पड़ेंगे। इनका प्रभाव अरबों परमाणु बमों जितना शक्तिशाली हो सकता है। धरती पर आ सकते हैं एलियंस। इसके अलावा सबसे डराने वाली भविष्यवाणी ये भी है कि एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। भविष्यवक्ता के अनुसार दुनिया अंधेरे में ढक सकती है। उन्होंने दावा किया था कि अगले साल एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। प्रयोगशाला में पैदा होंगे बच्चे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार मनुष्य के बच्चे 2023 में प्रयोगशालाओं में विकसित हो सकते हैं। विज्ञान में हो रही लगातार प्रगति की बदौलत लैब में शिशुओं के पैदा होने की अवधारणा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में शामिल है। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव। बाबा वेंगा की 2023 के लिए जो भविष्यवाणियां थीं, उनमें से एक भविष्यवाणी ये है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी 2023 में अपना रास्ता बदल सकती है। हमारा ग्रह हर साल सूर्य के चारों ओर घूमते हुए 584 मिलियन मील की दूरी तय करता है। ये एक जर्नी होती है जो पूरी तरह गोलाकार न होकर अंडाकार होती है। इस वजह से इस पर अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का बल प्रभाव पड़ता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव हो सकता है। हालांकि इस तरह के बदलाव कई हजारों वर्षों में एक बार होते हैं। अगर पृथ्वी की कक्षा में हल्का सा भी बदलाव होता है तो इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। बायो वेपन्स का परीक्षण। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 2023 में एक बड़े देश द्वारा इंसानों पर बायो वेपन परीक्षण किया जा सकता है, जिससे हजारों की संख्या में मौतें हो सकती हैं। बता दें कि बाबा वेंगा की मौत साल 1996 में हुई थी। दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने साल 50,079 तक के समय की भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा वेंगा ने देश दुनिया को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आगे चलकर सच साबित हुई। मालूम हो कि बाबा वेंगा ने बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी लिखित में मौजूद नहीं, लिहाजा ये तर्कहीन है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।